जनाब आप सभी के लिए आज की इस खास वीडियो में यमुना अथॉरिटी सेक्टर 18 बीस में खास क्या नया अपडेशन आने जा रहा है, इस खास वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ में सेक्टर 29 में यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 29 में क्या खास नया अपडेशन अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, दोनों का दोनों निचोड़ इस खास वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। उससे पहले आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं, और जो पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला अपडेशन आपको दे देते हैं। आप सभी को पता है जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण डे बाय डे हर जगह, किसी भी सिटी की बात करें तो हर जगह उसका लेवल हाई ही कैलकुलेशन दिखता है। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें या फिर इस एरिया यमुना एक्सप्रेसवे एरिया की बात करें, तो अगर अभी से सारी की सारी चीजें वेल मेंटेन तरीके से रखी जाए, वेल प्लानिंग के हिसाब से चलें, तो हर चीज बहुत बेहतरीन होगी। तो आपको ये बता दें कि जो एनवायरनमेंट डे के दिन अथॉरिटी की तरफ से ये पहल करी गई सेक्टर 29 यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में लगभग 500 सैपलिंग्स, जी हाँ 500 पौधे डिफरेंट स्पीशीज के लगाए गए, जिसके अंदर जामुन, चंपा, आमला, कलेजरा, ये सारे बेहतरीन पौधे लगाए गए, जो सभी के सभी का रोल प्रदूषण को कंट्रोल करने में रोल अदा करता है। आपको ये बता दें ये सारा का सारा प्रक्रिया जो करी गई, इसमें सीईओ यमुना अथॉरिटी के डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी थे, एसीईओ मोनिका रानी थी, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया जी थे, शैलेंद्र सिंह ओएसडी थे, जीएम प्रोजेक्ट के सिंह थे, डीजीएम प्रोजेक्ट राजेंद्र भाटी थे, और भी अन्य बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे जिन्होंने इन सब में योगदान दिया। और ये बेहतरीन अच्छा कदम लिया गया है एनवायरनमेंट को मेंटेन और क्लीन रखने का, साथ में प्यूरिफाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का, ताकि हम हर एक इंसान जिसकी हेल्थ कम से कम इस प्यूरिफिकेशन से मेंटेन रहे। तो मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी से, वीडियो तो आगे बनती रही है और बनती रहेगी, लेकिन आप किसी का भी वहां पे प्रॉपर्टी है तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे ग्रीनरी, अपनी प्लांटेशन अपने प्लॉट के सराउंडिंग्स में अभी से करना शुरू कर दें, ताकि जब आप उसे बसाने, बसावट के समय पे आप वहां जाएं या रहने के वक्त पे आप जाएं, वो अच्छा खासा पौधा पेड़ की फॉर्म में तैयार आपको सराउंडिंग्स के साथ बना हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दूसरी चीज अब हम शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो यमुना अथॉरिटी में लाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सेक्टर 29 में यमुना अथॉरिटी की तरफ से जर्नलिस्ट पार्क फाइनली सेटअप कर दिया गया है, जिसमें 500 सैपलिंग्स अलग अलग तरीके की पौधे लगाए गए एनवायरनमेंट डे वाले दिन। ये बहुत ही बेहतरीन कदम रखा गया है। आइए अब दूसरी बात हम शुरू करते हैं, दूसरा नया अपडेशन। जनाब दूसरा खास अपडेशन सेक्टर 18 20 का है। आपको ये बता दें, हम सभी को पता है इस सेक्टर 18 20 में नंबर ऑफ प्लॉट्स की संख्या की अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज्यादा संख्या में, बहुत ही अच्छे बेहतरीन संख्या में वहां पे प्लॉट्स दिए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से। तो इधर जाहिर सी बात है, एक स्कूल या एक केंद्रीय विद्यालय स्थित होना बहुत ही जरूरत की चीज है। तो आपको ये बता दे कि जो जेवर के जो एमएलए हैं, उन्होंने पहले सीईओ यमुना अथॉरिटी के पास एक प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया में बनाया जाए, दिया जाए, लैंड हमें दी जाए। तो आपको ये बता दे अब फाइनली अथॉरिटी इसके लिए एग्री हो गई है, और लगभग 5 एकड़ का लैंड केंद्रीय विद्यालय के लिए अब फाइनली दिया जा रहा है। और आपको ये बता दे वो भी सेक्टर 18 20 के रेजिडेंशियल सेक्टर में। तो ये बेहतरीन एक बड़ा गिफ्ट है हम सभी रेजिडेंट्स के लिए यमुना एरिया में। तो ये आने वाला वक्त हम सभी के लिए एक बेहतरीन और एक अच्छी चीज के लिए आपको आने वाले वक्त में
अच्छा आप अगर कहें तो सोसाइटी, अगर जो स्कूल्स और ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, ये फुलफिल हो जाती हैं कि अच्छी अच्छी चीजें आपकी सराउंडिंग्स में आती हुई दिखाई दे। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय अपने में ही एक अपनी पहचान रखता है। केंद्रीय विद्यालय के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हर एक गरीब बच्चा, चाहे वो कोई गरीब बच्चा हो, चाहे वो रूरल फैमिली से बिलोंग करता हो या अर्बन फैमिली से बिलोंग करता हो, बेनिफिट उसको, सभी को उसका फायदा मिलता है। क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन दी जाती है वो एक स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड एजुकेशन दी जाती है। तो केंद्रीय विद्यालय इस एरिया में आने से हम सभी के लिए अच्छा साबित होगा। तो ये था जनाब आज का खास लेटेस्ट अपडेशन आप सभी के लिए सेक्टर 18-20 और सेक्टर 29 का। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगा एक खास नई वीडियो, एक खास नई अपडेशन के साथ। अभी फिलहाल के दीजिए मुझे इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।